हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और यहाँ पे मेरी बहन के घर मेरे को सेकंड डे हो गया है, तो ये वीडियो सेकंड डे का है। और बाकी आज हम कहीं जाने वाले हैं, वो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कहाँ पर हम जाने वाले हैं। सो यहाँ पे एक मदर मैरी का ग्रोटो है जो कि नेचुरली मेड है, तो वहीं पे आज जाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये देखो हमारी सवारी निकल पड़ी, कितने सारे लोग हम जा रहे हैं। और भी बच्चे आ गए थे आस पड़ोस के, तो उनके साथ भी जा रहे थे। एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको भी इस वीडियो में, बिकॉज खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। ये रही मेरी बहुत ही प्यारी सी नीस, ये भी जा रही है, बहुत एक्साइटेड रहती है। इनफैक्ट हमें देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गई है। हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, और हमने एक नई नई सहेलियां बनाई हैं। ग्रोटो चलो, हाँ डालूंगी जब देखना तुम लोग। और ये रश्मि, इसकी हरकतें बताऊंगी मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी भाभी की सारी हरकतें बताऊंगी। शाबाश, राज खोलती राज। वो रहे जीजू और अल्फा से आगे, उसके बाद पत्नी, आओ माँ बेटी दोनों करो। छोटी रश्मि बोलते हैं तेरे से, छोटी रश्मि सॉरी। चलो हम करते हैं कुछ गर्ल्स टॉक। पहले रश्मि कैसे करती थी मंजू बताइए, रश्मि का डांस बताइए। और गाना था बीड़ी जलाई ले। ठीक है, फिर 3 बजे चलेंगे ना। ये देखो अब भी इतना बोलती है, गांव में भी तब भी इतना चप्पड़ चप्पड़ करती रहती थी, अभी बता रही है। तो ये है हमारी बहन, बड़ी दीदी, दीदी हमारी। मैं इसको बचपन से पाल पोस के बड़ी करी। एक बारी ये मेरे को गोदी लेके बहुत दूर चली भी थी, कहाँ गई थी पापा बताते हैं, पता नहीं गांव में। फिर को मैं छोटी थी, टाइम पर ये भी छोटी थी। अब कर दे बहन, अब गोदी की नींद है, अब कर दे। अब ये मैं करेगी, अब इसकी छोटी गोदी करेगी। हाँ अब एक छोटी दसवीं आ चुकी है। नहीं हम आए हैं रश्मि के गांव छत्तीसगढ़। कहाँ है तेरा गांव? छत्तीसगढ़ में। अरे तो नाम तो बता। सलखा दाड़। अगर आप गूगल करोगे तो नहीं मिलेगा। बगीचा, हाँ बगीचा। तो ये सब चीज़ें ना गांव में ही दिखती हैं, क्योंकि गांव में आना और ये सब करना, झूला झूला मतलब पेड़ से झूला झूला, ये तो ऑलमोस्ट शहर में तो मैंने आज तक मतलब हमारे टाइम में होता था, बट अब ये टाइम में तो बच्चे बाहर खेलने जाते ही नहीं। और यहाँ के बच्चे बाहर ही खेलते हैं, तभी इतने स्ट्रांग होते हैं गाँव के बच्चे। हमारे शहर के बच्चे तो मोबाइल ही खेलते हैं बस। तो गांव में आने का एक अलग ही मज़ा होता है, एंड ये सब इन्वायरमेंट हमें दिल्ली जैसे शहरों में नहीं देखने को मिलता।
सो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें, क्योंकि यहाँ पे हम भाग पा रहे थे, कूद पा रहे थे, खेल पा रहे थे और पहाड़ों में चढ़ पा रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट। सो हमने सोचा था कि गांव में आके कैसे मैनेज हो पाएगा, बाकी हेल्थ वेल्थ ख़राब तो नहीं हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा हेल्थ अच्छी होने लग गई थी वहाँ पे, क्योंकि फ्रेश था, हर चीज़ वहाँ की फ्रेश आपको मिल रही थी। सो या यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ से कहाँ से नहीं चढ़ पाएगी, कौन चढ़ेगा? ये चट्टान में चढ़ने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं। मैं चढ़ूंगी गाइस। हाँ तुम तो चढ़ने की कोशिश करूंगी, कुछ नहीं होगा तुमसे। मम्मा कहाँ जाओ फिर? नहीं आप भी गिर जाते हो ना, तो हमारी बचपन की यादें क्या रहे, वही तुम लोग गिर रहे हो तो हमारा क्या होगा? पकड़ के रखना उसको चट्टान में, हमें चट्टान चलो रुको रुको पीछे और कोई भी आ रहा है, वहाँ चढ़ना है, वहाँ चढ़ना है, गोटो है वहाँ पे, अपने आप गोटो बना है, ठीक है मैं भी देखना चाहूंगी इसके पीछे अपने आप ग्रोटो बना है। तो अभी मैं पहले चल लेती हूँ, फिर रिकॉर्ड करूंगी ऊपर जाके। सो ग्रोटो तक जाने के लिए हमें ये चट्टान चढ़ना था और बहुत ही मजा आ रहा था चट्टान चढ़ने में। ग्रोटो इतनी ऊपर, इतनी ज्यादा ये वाला ग्रोटो इतनी ज्यादा ऊपर नहीं था बाकी। सो फाइनली हम ग्रोटो तक पहुंच चुके हैं और ये ग्रोटो एकदम नेचुरली बना था, मतलब किसी ने बनाया नहीं है, बस इसमें जो मूर्ति है वो लोगों ने आके लगा दी है और काफ़ी ऊपर था। हम तो सोच रहे थे कि ऊपर तो आ गए हैं, नीचे कैसे जाए, बट वही ये बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मदर मैरी के। और यस मैंने भी ऊपर चढ़कर मदर मैरी के दर्शन किए। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, ग्रुप फ़ोटोज़ जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में देख सकते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी बाकी।